अभी हम बाहर आए अपने हॉस्टल से और यहाँ पूरी रोड मतलब ब्लॉक है, पता नहीं क्यों। पंजाबी क्या बोल रहा था अभी? क्या बोल रहा था तू? बोल रहा था भाई, बोल रहे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, जगह है ना भागने की, कहीं डंडे शंडे शुरू हो गए तो। स्वागत आप सभी लोगों का बार्सिलोना स्पेन में। और आज हम जा रहे हैं भाई, यहाँ पे एक चर्च है जो जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, मतलब 200 साल होने वाले हैं उसको कंस्ट्रक्ट होते होते और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आप सोचो भाई पंजाबी क्यों नहीं है तेरे साथ, क्योंकि मैंने ख़रीदा था कल मेट्रो का मतलब टिकट, 10 टिकट खरीदी थी मैंने एक साथ, जो कि पड़ी थी 11:30 की, पर हमको लगा था दो बंदों की चल जाएगी वो, पर नहीं, एक ही बंदा एक बार एंट्री कर सकता है उसमें से। तो मैंने कहा भाई पैदल आ जा, मैं मेट्रो से आ जाता हूँ, क्योंकि मैं मेट्रो से सिर्फ 10 मिनट पैदल है, 40 मिनट। तो वो कहता ठीक है, तो वो वहीं पे मिलेगा हमको, हम पहुँच जाएंगे 10 मिनट मेट्रो, वहाँ पे वाईफाई वाई ढूंढ के एक दूसरे कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। जो मतलब एक चर्च जो कि मतलब 200 सालों से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहा है और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्यों है वो? ये टिकट है यहाँ की 11:30 यूरो में, आप 10 जर्नी कर सकते हो इससे मेट्रो की। तो मतलब जैसे ना प्रिंट कर देगी पीछे आपने जर्नी जो करी होगी, शायद ऐसा कुछ करती है ये। तो मैं एक बार डाल के दिखाता हूँ आपको। अबे तो भाई पता नहीं, मैंने 2-3 मशीनों में टिकट डाली, पहले टू टू आवाज़ करने लग गई मशीनें, मेरे को लगा क्या पता ना चलती हो, क्योंकि 5-6 जोन की आप टिकट ले सकते हो, पर बार्सिलोना तो शायद पूरा ही एक जोन में आता होगा, पर पता नहीं आंखें में चल गई। फिर मैंने कहा बार बार डाल के देखता हूँ, 11 यूरो खर्च करे हैं तो चलते हैं। ये मेट्रो स्टेशन है और ये देखो कैसल भी छपा हुआ एग्जिट के लिए। मैं निकल चुका हूँ मेट्रो से और मेरे पीछे ही है सरगादा फमिलिया। ये गरीब चल चल के पहुंच गया यहाँ पे 1 घंटे बाद। तो भाई इस चर्च की शुरुआत जो हुई थी कंस्ट्रक्शन की, वो हुई थी 1882 में। जो इसका मेन आर्किटेक्ट था उसने 1883 में रिज़ाइन दे दिया, 1883 में किसी और आर्किटेक्ट ने बनाना शुरू किया और अब 150 साल हो चुके हैं, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है बनना। पता नहीं क्या कमियां हैं भाई, मतलब ऐसा आर्किटेक्चर मैंने तो आज तक नहीं देखा, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि ये पिघल के गिर रहा हो, मतलब थोड़ा हैरी पॉटर टाइप मतलब, और मैंने देखा नहीं ऐसा आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि जो स्पेन से पेरिस जो हाई स्पीड ट्रेन जाती है वो भी इसी के पास से निकल रही थी, तो लोग कहते कि इसमें मतलब वो होएगा स्टेबिलिटी को दिक्कत होएगी इसकी, तो उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सियां वगैरह हो रही हैं ये सब। और इसकी कंप्लीशन जो थी वो 2026 क्या हुआ मुझे बताया नहीं ये सब, अब मैं बता रहा था तूने सुना ही नहीं ये, इसको मतलब वो बिल्कुल इसको ये जानना था कि भाई कम्प्लीट क्यों नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा यार देखो एक बार, आप देखो सब लोग, मतलब ये देखो कैसा लग रहा है, मतलब यार मैं मान सकता हूँ कि इसको बनने में टाइम लग सकता है, पर 150 साल फिर भी बिलीव करना मुश्किल है, पर फिर भी लग सकता है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो इसकी कंप्लीशन जो थी 2026 में होनी थी, पर कोरोना की वजह से वो डिले हो गई है। और 2010 में पोप ने इसको कह दिया था कि ये माइनर बेसिलिका है, मतलब
मेरे को नहीं पता इसका मतलब क्या है, मतलब कोई बड़ा ही चर्च होगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस वाला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही है। तो हाँ, अंदर जाने की टिकट आज सोल्ड आउट हैं। अगर आप जाना चाहो तो 26 यूरो की टिकट अंदर जाने की आज तो खैर सोल्ड आउट है, ऑनलाइन बुक कर सकते हो, अंदर से देखते, पर चलो 2026 में आएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी अभी ऑनलाइन, तो उसमें लिखा था कि जो गौडी GAUDI जो इसका मतलब मेजर आर्किटेक्ट था, वो 1926 में मर गया। तब तक इस ये जो चर्च है ये कंप्लीट हुआ था सिर्फ 15-20% के बीच में, और उसने कहा था कि मैं इसलिए इसको स्लो बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है ना वो जल्दी में नहीं है बनवाने की, तो मर गया, फिर कोई और आर्किटेक्ट आ गया, फिर कोई और आर्किटेक्ट आ गया, आज तक ही बन रहा है। और जो इसकी विजिटर एंट्रेंस फीस है 26 यूरो, वो इसलिए है क्योंकि इसकी खर्च होते हैं हर साल 25 मिलियन यूरो बनने में, तो जो विजिटर फीस है वो बनने में जाती है। तो ये मतलब विकिपीडिया पे लिखा था, विकिपीडिया पे तो अभी भी लिखा है कि 15-20 यूरो विजिटर एंट्रेंस फीस है, पर अब 26 यूरो हो गया है, तो वो मतलब बनने में जाते हैं और हर साल 25 मिलियन यूरो सिर्फ इस चर्च की कंस्ट्रक्शन में खर्च हो रहे हैं। मतलब अभी भी कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है भाई, ऐसे फालतू में तो मतलब खर्च नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत कुछ लिखा है कि ये 6 पिलर अब बन रहे हैं, उसके बाद 10 पिलर और बनेंगे, पता नहीं क्या बना रहे हैं, पर देखने में लग तो रहा है, पर फोटोज में जैसा है ना वैसी मतलब थोड़ा इंप्रेशन कम आया मेरे को। मतलब मैं सच बताऊँ है तो एपिक, पर फोटो में जैसा था वैसा थोड़ा कम आया। तो आज है मेरा लास्ट डे बार्सिलोना में, क्योंकि कल एक नई कंट्री जाना है वन डे विजिट के लिए, शाम को वापस लौट के शायद बार्सिलोना या फिर कहीं और जाऊंगा, पता नहीं। तो आज देखते हैं क्या क्या घूमते हैं भाई। बार्सिलोना के एक ही वीडियो है, इसी में सब कुछ दिखा दूंगा मैं जो भी है बार्सिलोना का, मतलब एक तो नहीं दिखाएगा तू। हाँ मतलब एक रेस्ट डेस्टिनेशन घूमा, मैंने क्या घूमा, मतलब जो तूने घूमा वो दिखाएगा। हाँ हाँ मतलब वही, तो एक तरह से रेस्ट डेस्टिनेशन थी, मतलब कि रेस्ट करते हैं थोड़े दिन, तो हम बार्सिलोना में आए बस ऐसे थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, खा पी के वापस हॉस्टल सो जाते हैं। तो आज सुबह क्या हुआ भाई, मैं वीडियो एडिट करने बैठा, मैं यार मेरे चार्जर गायब, और मेरे को याद कि मेरे फ़ोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर और ईयरफोन्स बेड पे पड़े थे। मैंने कहा ले भाई हो गया सुबह सुबह सांड, ले गया कोई उठा के, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ हो जाती हैं हॉस्टल में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे सब कुछ लॉकर में डाल के गए थे हम। मैंने कहा यार चार्जर कौन ही चुरा रहा है, फिर मेरे को याद आया भाई एप्पल के चार्जर भी बड़े महंगे आते हैं। फिर भाई मैं बड़ा सैड सा बैठा हुआ, तो फिर मैंने कहा चले यार ब्रश करके आते हैं, फिर मैंने कहा ब्रश भी नहीं है, फिर मैंने कहा ब्रश भी बेड पे पड़ी थी। तो मेरे को फिर लगा कि हाउसकीपिंग वाले हो सकते हैं, मतलब ये भी कहता जाके एक बार नीचे पूछा, तो मैं एक बार नीचे जाके कह आया था वैसे तो, फिर मैं ऊपर आया फिर ब्रश करनी याद आई, मैंने कहा ब्रश कर, मैंने कहा ब्रश भी बेड, मैंने कहा ब्रश तो कोई नहीं चुराएगा। मैंने कहा कि भाई तू याद कर जब तू रात को आया तो तेरा बेड बना हुआ था। हाँ तो मतलब लगभग सा बना हुआ था, तो वापस गए वहाँ पे हमारा सामान रखा था, तो थोड़ी जान में जाना है कि 150-200 यूरो का झटका लग जाता वरना मेरे को। तो अभी जाते हैं इसके दोस्त के घर पे, हैरी पाजी के, और वो देखते हैं ऑफिस में, तो वो देखते हैं कहाँ पे हमको आज घुमाते हैं बार्सिलोना में, और कल हम जाएंगे एक नए देश, और उससे अगली जो वीडियो आएगी बेस्ट वीडियो, मैं नहीं होऊंगा तो इतनी अच्छी वीडियो नहीं होना चाहिए ना पंजाबी को, देख मतलब कोई दोस्त कहीं जा रहा है तो भाई साथ में तो जाना ही चाहिए। अब मैं बताऊं इसने का नहीं बताऊं क्या, मतलब मेरा नहीं हो रहा तेरा हो रहा है ऐसा कुछ। हाँ हाँ मैंने, मेरे को कोलैब मिला है, मैंने बता रखा है, मेरे को मना कर दिया। तो यार तू भी आ जा सिटी तो घूम ही सकता है रेस्ट डे, तो सिटी के जाऊं घूमने जब मतलब। तो स्वागत है आप सभी लोगों को दोबारा बार्सिलोना में। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बार्सिलोना की एक वीडियो तो आपको दे पाऊँ, क्योंकि जब मेरे को पसंद नहीं आती जो मैं बनाता हूँ वीडियो, या फिर सिटी पसंद नहीं आती तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। जैसे कि जैसे हाँ बनाई थी मैंने, डाली नहीं, नीस की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और फिर मतलब यार मैं थोड़ा ना बोर हो गया हूँ यूरोप से अभी, मतलब सारी सिटीज़ वैसी ही मतलब सेम चल रहा है, 30 दिन कुछ ज़्यादा हो गए मेरे को लग रहा है। तो कल तो जो वीडियो आने वाली है वो तो फुल एडवेंचर है भाई, मतलब वो तो अलग ही लेवल पे है, गेस करते रहे, फिर इंस्टा पे जाके देख सकते हो क्या किया है मैंने स्पेन में ऐसा, जो कि ZNMD में किया था, कैटरीना कैफ
नहीं ऋतिक ऋतिक रोशन नहीं जाएगा ये ठीक है। तो अभी आज आखिरी दिन है, आज मैं जा रहा हूँ साउथ स्पेन, 4 बजे की ट्रेन है, तो 2-3 घंटे और घूम लेते हैं बार्सिलोना में। ये वीडियो कंप्लीट कर ही देते हैं। मैंने आपको इटली में भी दिखाया था, ये है बेस्ट एंड फास्ट एक्सचेंज। तो ये मतलब एक ऑनेस्ट गाइड करके एक बंदा है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है प्राग की, तो मतलब प्राग का बंदा है। तो फिर वो इटली गया था तब उसने बताया था कि ये मतलब बड़ा स्कैम करते हैं, स्कैम मतलब आपसे 20% आपके पैसे तो वैसे ही ले लेंगे, मतलब $100 एक्सचेंज कराओगे तो 20% तो उनका कमीशन है एक्सचेंज करने के लिए, उसके ऊपर 10 यूरो और कमीशन है, तो मतलब आपको $100 के कुछ ये 50 यूरो देंगे। तो भाई मत ही कराना एक्सचेंज, मैं शॉर्ट में बता दिया कि नहीं जाना ठीक है। एक रीज़न और कि लोग चाहते नहीं है कि सरगादा फमिलिया कंप्लीट हो, क्योंकि ये है बार्सिलोना कैथेड्रल, और अगर सरगादा फमिलिया कंप्लीट हो गया तो वो इससे ज़्यादा ग्रैंड है और इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ज़्यादातर लोग वहीं पे विजिट करेंगे जो कि अब भी करते हैं। तो कई लोग चाहते हैं कि वो कभी कंप्लीट ना हो पाए, मतलब जिनमें से ये भी है कि ये भी चाहता नहीं हूँ मैं, होए ना होए भाड़ में जाओ फिर क्या लेना देना। तो इसकी भी अंदर जाने की एंट्री टिकट है, शायद नहीं है तो वैसे जाके देखते हैं। ये हम पहुंच गए गॉथिक क्वार्टर। गॉथिक मतलब होता है मतलब एक काला जादू, मतलब ऐसा होता है ना कुछ काला जादू, मतलब ड्रामा टाइप, डार्क जो सिद्धू मूसे वाले गाने डार्क लव तो मतलब ऐसा थोड़ा मतलब सीन होता है, मतलब घर ऐसे बने होंगे, मतलब थोड़ा ड्रामा टाइप, मतलब थोड़े अंडरग्राउंड वाइब्स, मतलब ऐसे। तो उस क्वार्टर में है, इसका नाम है गॉथिक क्वार्टर। तो अभी पहुंचने वाले हैं, बस ये शुरुआत हो चुकी है, इसका थिएटर के बैक साइड पे ही है गॉथिक क्वार्टर। ये जो आप फ्लैग देख रहे हो ना, ये है कैटलोनिया का फ्लैग। इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं, जो मतलब कैटलोनिया के लोग हैं ना, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट स्पेन के लोग हैं, ये पूरे स्पेन से ज़्यादा अमीर हैं ठीक है। जैसे कि आप कह लो कि इंडिया में जो मेन मेजर सिटीज़ हैं दिल्ली मुंबई, ये मतलब इनकी इनकम ज़्यादा है और इनका मतलब इनके पैसे भी ज़्यादा हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि हम हो जाएं स्पेन से अलग, और क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा है, दिमाग में नहीं वैसे बात तो सच्ची है, क्योंकि जो टैक्स भरते हैं ना ये लोग, इनका जो टैक्स जाता है वो पूरे स्पेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको बेनिफिट मिलता है। तो ये कहते हैं भाई हमको बेनिफिट चाहिए बस उस टैक्स से जो हम भर रहे हैं, मतलब ये हम वाली बात तो मतलब मैं वाली बात तो यूरोपियन लोगों में है कि मैं इनके वैसे भी होता है। और देखो यहाँ पे मतलब ये लोग छोटा सा पार्ट है कैटलोनिया और ये अलग होना चाहते हैं, इनकी भाषा भी अलग है, कैटलनीज क्या है ऐसा कुछ ही, हाँ ऐसी है मतलब भाषा। तो ये मतलब अपने आप को समझते हैं कि और पूरा स्पेन तो गरीब है, वैसे बात तो सच है, पर मतलब अब जिसके साथ आप इतने सालों से रहे हो ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई हमको अलग होके जाना है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे यहाँ पे वोटिंग हुई थी तो तब हुआ था, 52% लोगों ने कहा था नहीं अलग होना, 48% ने कहा था अलग होना है, और उन 52 में सारे बुढ़े लोग हैं, तो सारे जो जवान हैं 48 में वो वेट कर रहे हैं, सारे बुढ़े हमारे दोबारा वोटिंग करेंगे, 100% से जीतेंगे। ये जा रहे हैं भाई हम भूतिया क्वार्टर में, गॉथिक क्वार्टर। देखो कैसे कैसे घर हैं, मतलब सारे डार्क ब्राउन टाइप, मतलब डरावने डरावने। मैं बता रहा था ना स्पेन के झंडे की जगह ये कैटलोनिया का झंडा ज़्यादा लहराना पसंद करते हैं।
तो भाई आप में से बहुत सारे लोग ये भी मैसेज कर रहे थे जो मनीष के फैन है कि भाई बैंक ऑफ स्पेन दिखाओ और जो मतलब वहाँ पे जहाँ पे चोरी वोरी करते हैं वो दिखाओ। तो आज मैं जाके रिसर्च करूँगा कि वो प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं। अगर मैड्रिड में हुई सारी तो मैं सारी दिखा दूँगा, पर बार्सिलोना तो मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मतलब कोई बार्सिलोना में मिलती है तो मैं इसको बता दूंगा, ये वीडियो बना देगा उस चीज़ की और फिर मेरे को देखेगा। तो ये है ला रामला स्ट्रीट, मतलब यहाँ की सबसे मोस्ट फेमस स्ट्रीट। बीच में लोगों के चलने का, दोनों तरफ रोड है, मतलब बस चलने का ही है ऐसा, मतलब वो ये यूरोप में सारा ही चलने का है, फील ले सकते हो आप बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बार्सिलोना की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब मेरा टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। तो भाई और तू एक कल आएगा मैड्रिड? कल आऊँगा, कल या परसों, मैं परसों शाम को पहुँचूँगा मैड्रिड। दो दिन मैं सेविया में रुकूँगा क्योंकि सेविया ही कहते हैं, क्योंकि कल तो स्काई डाइव करके आएंगे तो थके हारे आएंगे फिर, मतलब तू बता दिया पहले इस वीडियो में बता दिया। अरे हाँ यार, मैं स्काई डाइव करने जा रहा हूँ।